आप देख रहे हैं नयादी न्यूज। नयादी न्यूज आज तुम्बर रोहतास से एक तस्वीर दिखा रहा है। इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी का आज शुभागमन होता है और इनका एक यात्रा है, आशीर्वाद यात्रा। इस यात्रा में और इस मौके पर सारे इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उनका स्वागत ढोलबाजी के साथ, फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है तुम्बा रोहतास में। ये प्रखंड रोहतास की तस्वीर है और इनका काफिला जो है रोहतास से नौहट्टा प्रखंड की जानी बढ़ने वाला है। देखिए पूरे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सासाराम पार्लियामेंट के जनता को और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस नवा मस्जिद के पास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरा कैंपेनिंग चल रहा है, इसी क्षेत्र भ्रमण के क्रम में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिली है आप सभी लोगों से मिल करके, इस गांव की जनता से, इस गांव के माताएं बहनें भाई चाचा चाची सभी लोगों से मिल करके मुझे बहुत बहुत खुशी मिली है। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है, इस 2024 का जो चुनाव है, इसको चुनौती स्वीकार करके मैंने लड़ा है और देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। आप सभी से मेरा अपील है, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप सभी से मेरा अपील है कि आप सब जुड़ें और जुड़ करके जो जाति धर्म और संप्रदाय का जो कहने का मतलब जो हमारे बीच में द्वेष जो लोग फैला दिए हैं, इस बार ऐसी ताकत को हमें समाप्त कर देना है भारत देश से। और मैं पूरे भरोसा के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो सासाराम पार्लियामेंट जो है वो ऐतिहासिक पार्लियामेंट में है, यहाँ से जिसकी जीत होती है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। 10 साल से नौजवानों का आवाज, किसानों का आवाज, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य की बदहाली और हमारे क्षेत्र का जो स्थिति 10 सालों से जो लोगों ने वंचित कर दिया है, मैं आपका आवाज बनूंगा, आपका भाई, आपका बेटा, इसी मिट्टी का लाल आपका सदन में आवाज। बजाओ पूरा पूरा भीड़ उड़े इकट्ठा करो तो मजे का, और उन लोग बाजा वाले को बोल दो कि फिर बजाते हुए चलना हुआ मैरिज हॉल में, रोहतास मैरिज हॉल में, इरफान डीटी चेयरमैन के वहाँ लुकिंग गिलास में देखते रहो, जब बढ़े लगो ना फट से
गाड़ी आगे निकल बाला जी। वही तो कहा कि चल फोन कहाँ छूट गई यार। Thank you.
कामयाबी आर जी नगर पंचायत उत्तर की तस्वीर दिखा रहा है, जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज भारती साहब का शुभ आगमन हो चुका है। यहाँ पर सारे काफले के लोग इस तरह से निकले हुए, मैं इस सभी कई ग्रुप में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कि आर जी का काफला आया हुआ है, क्या कहिएगा आज जो काफले के साथ चल रहे हैं? ये जीत का प्रतीक है और महागठबंधन के ही जीत होगा, इंडिया गठबंधन का। और भाजपा 10 साल में जुमलाबाजी किया है, कोई काम नहीं किया है, जनता इनसे ऊब चुकी है। इस बार कांग्रेस को मनोज बाबू के यहाँ से वोट दे करके भारी मतों से लोग यहाँ के जिता रहे हैं, इसलिए 400 पार का दावा करने क्या कहेगा? अच्छा ये बताइए, मोदी जी 400 का दावा करने क्या कहेगा? मोदी जी जो वादा किए थे वो उनका वादा फेल है। वो महंगाई कम करेंगे, कम करेंगे और बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और आपका बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और बोले थे कि बिहार एक सवाल ये बताइए, इस वक्त मोदी जी हमारे बैटिंग कर रहे हैं और राहुल जी के हाथ में बॉल है, क्या क्लीन बॉल कर पाएंगे? वो मारेगा, हाँ वो मारेंगे, आउट हो जाएंगे और राहुल जी बॉल बिगड़ गए वो आउट होंगे। क्या सर वो क्या क्लीन बॉल होंगे या कैसे आउट होंगे, क्या होंगे? हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। नहीं सर, आप देश का जो बेरोजगार है ना, नौजवान आज करोड़ों के तादाद में जो रोड पर घूम रहे हैं, वही क्लीन बॉल करेंगे इनको। शिक्षा का जो हालात है, स्वास्थ्य का जो हालात है, गरीबी इतना चरम सीमा पर है, ये देश के जनता जो है ना क्लीन वोट करेगा।